ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਪੈਰਾਗਨ ਹੋਟਲ ਸੋਲਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹਿਮਾਚਲ सोलन योग भारती द्वारा नगर परिषद हॉल में 26 मई से 2 जून तक योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। योग शिविर दिन में 2 चरणों में करवाया जाएगा। योग प्रातः 5:30 से 7:30 बजे और सायं 4 बजे से 6 बजे तक होगा। यह जानकारी आज सोलन में प्रेस वार्ता कर योगाचार्य श्रीनिवास मूर्ति ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि योग से किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज किया जा सकता है जिसमें ब्लड शुगर और बीपी मुख्य है। उन्होंने कहा कि योग से बीपी का इलाज 3 घंटे में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीवन शैली, आहार विहार, निर्वहन व सोच विचार के परिवर्तन के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। योग क्रियाओं के माध्यम से असाध्य बीमारियों से लोगों को राहत प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि शिविर में भाग लेने वाले लोगों का पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा जांच करेंगे, इसके उपरांत योग शिविर क्रियाओं का प्रशिक्षण देंगे। शिविर में भाग लेने वाले लोगों से 200 रुपए प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। योग विशेषज्ञ श्रीनिवास मूर्ति ने कहा कि योग भारती का उद्देश्य लोगों को विभिन्न योग क्रियाओं का प्रशिक्षण देकर उनकी जीवन शैली में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि आसन व्यायाम से शरीर बलवान व निरोगी होता है। प्राणायाम से शरीर का हर कण शक्ति से भरपूर हो, ऐसा इस वर्ग का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि शिविर में भाग लेने वाले लोगों को योग मुद्रा से अपना इलाज आप करने और मर्म चिकित्सा एक्यूप्रेशर से दर्द निवारण हो, ऐसी शिक्षा वर्ग के माध्यम से प्रदान की जाएगी। योग भारती नाम से एक योग वर्ग यहाँ चल रहा है। उसका उद्देश्य योग, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी ये माध्यम से व्यक्ति के बीमारी कैसा दूर करना, ये योग का कल्पना है। इसी कारण से हमने प्रयोगात्मक यहाँ 100 लोगों के ऊपर प्रयोग कर रहा है। उनका सारे मेडिकल टेस्ट होगा पहले, बाद में 7 दिन उनको व्यवस्थित रूप से योग सिखाया जाएगा। 7 दिन के बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा। इस कारण से उस व्यक्ति को भी समझ में आता है, हाँ मेरा ये समस्या हल हो गया। शुगर को नॉर्मल करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 3 घंटा में व्यक्ति का नॉर्मल करवा सकता हूँ। नॉर्मल बना के रखना बहुत मेहनत का है, वो उनका आचार व्यवहार ये सारे ठीक करना है, वो तो उनके हाथ में है। वैसा योग को केवल बीमारी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि योग से पहले, रोग से पहले योग का जन्म हुआ है। इसी कारण से योग यानी ये समग्र है। एक एक बीमारी के लिए क्या योग नहीं है, अगर योग किया तो बहुत बीमारी ठीक हो सकता है। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।